एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को हाथ जोड़कर नमस्ते करती हूँ। हमारी यूट्यूब चैनल में इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आप सभी का ऐसे ही हमारी यूट्यूब चैनल में प्यार बना रहे। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने एरिया सोराव के फेमस टेम्पल। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक 100 सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे नाराज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइस, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, अभी पहुँचने वाली हूँ मंदिर के पास। आप देख सकते हैं अभी मैं जा रही हूँ रास्ते में। तो गाइस, फाइनली मैं पहुँच ही गई मंदिर पे। आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू, और आप जानते हैं ये मंदिर का एंट्री गेट है, देखिए। और सबसे पहले मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के भगवान मंदिर को प्रणाम करूँगी। फिर अभी मैं जा रही हूँ अंदर। पौधे भी है बहुत अच्छे अच्छे ये देखिए गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अंदर। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए तुलसी का है, कितना अच्छा लग रहा है तुलसी का प्लांट पेड़ पौधे हैं। और ये भी तुलसी ही है। तो और ये है मंदिर, जो कि 3 मंजिलें हैं मंदिर के। और मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड में ही एक हवन कुंड बना हुआ है, मैं आपको ले चल के दिखा देती हूँ। गाइस, ये देखिए ये हवन कुंड है, यहाँ पे हवन होता है। कल ही पूजा हुई थी, ये हवन कुंड भी हुआ था इसमें। आप देख सकते हैं हवन कुंड। तो गाइस, अभी मैं चलती हूँ बाहर। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर। और ये देखिए जो मंदिर है ना, इसी के जस्ट साइड में ही एक छोटी मंदिर है, मैं आपको वहाँ पे भी व्यू दिखा देती हूँ आपका। तो गाइस, अभी मैं मंदिर का व्यू आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, अभी मैं चल रही हूँ आपको मंदिर का व्यू दिखाने। तो अभी बहुत धूप है, अभी 2 ही बज रहे हैं, तो अभी बहुत धूप लग रही है। तो अभी सफ़ा नहीं और होगा, आपको सफ़ा नहीं दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। हाँ, अब आपको सफ़ा दिख रहा होगा। तो देखिए, ये है हमारे गुरु महाराज। तो सबसे पहले मैं इनका पैर छू के इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ, फिर मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं आया है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही बज रहे हैं, 2:30 बजे आरती का टाइम है। आप देख सकते हैं महाराज जी पूजा कर रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस, यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो बाबा जी की मूर्ति है, ये तकरीबन 25 साल पुरानी मूर्ति है, और ये बहुत ही शक्तिशाली मूर्ति है, ऐसा बताया जाता है यहाँ पे। तो गाइस, ये देखिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आइए मैं मंदिर के और आगे ले चलते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराज जी की एक और मूर्ति है, जो कि चारों तरफ से कांच में पैक है, आपको मैं दिखा सकती हूँ, देखिए गाइस। ये देखिए चारों तरफ से पैक है। और सबसे पहले मैं इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा है श्री गुरुवे नमः, आप देख सकते हैं। तो गाइस, आइए मैं आपको ले चलती हूँ साइड में। और यहाँ पे हमारे बाबा जी की समाधि ली गई है, आप देख सकते हैं घेरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बाबा जी की समाधि ली गई है। और ये है घंटी, आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के फर्स्ट फ्लोर।
तो गाइस आइए चलते हैं मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी मैं सीढ़ियों से जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। गाइस इससे पहले मंदिर की साइड पे एक छोटी सी मंदिर है, पहले आपको वहाँ का व्यूज़ दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए छोटी सी मंदिर का छोटा सा गेट। तो गाइस ये देखिए सबसे पहले एंट्री करते हैं मुझे दिख गया नंदी बाबा। सबसे पहले मैं इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे अच्छे मूर्तियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अगर शिवलिंग है, हनुमान जी की मूर्ति है और देखिए कितने अच्छे घेर में बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा हुआ है। यहाँ पे कितने सारे कलरफुल फूल रखे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, आप देख सकते हैं सीढ़ियों से जा रही हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे। ओह माय गॉड, अभी तो मंदिर बंद है इसलिए मैं आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकती, बट मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी गुरु महाराज की मूर्ति बनी हुई है और आप देख सकते हैं गाइस कितना बड़ा हॉल है। ये मंदिर आरती के टाइम में खुलती है, बट मैं पहले ही आ गई आधा घंटा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो गाइस ये देखिए गुरु महाराज जी की मूर्ति है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियों से। तो एंट्री करती सबसे पहले मुझे दिखा घंटा, वैसे बजा के फिर मैं आई सेकंड फ्लोर पे जो कि सीढ़ी से जा रही हूँ। और गाइस ये भी वाले ही बंद है मंदिर, लेकिन कोई बात नहीं मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस सबसे पहले हैं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ, आप देख सकते हैं उनकी मूर्तियाँ। फिर सबसे बीच में है दुर्गा माँ की मूर्ति और मैं आपको साइड में भी दिखा देती हूँ। अभी बंद की वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये साइड में है शिव जी की मूर्ति और पार्वती जी की मूर्ति। तो गाइस आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको ले चलती हूँ थर्ड फ्लोर पे। तो अभी मैं सीढ़ियों पे हूँ, ऊपर जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ थर्ड फ्लोर पे। तो गाइस अभी मैं थर्ड फ्लोर पे पहुँच चुकी हूँ और इसके ऊपर आप देख सकते हैं टेरेस्ट है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप टेरेस्ट पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं जो कि मेरे घर से बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। तो गाइस लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि ताला लगा हुआ है, अब बंद है अभी मंदिर। तो गाइस कोई बात नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ अपने सुरंग का पूरा व्यू। तो गाइस आप देख सकते हैं। यह हमारे सुरंग का व्यू है मंदिर के ऊपर से, मैं बना रही हूँ इसे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही और सारे वीडियो बना सकूँ और आप तक पहुँचा सकूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।